नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है हॉर्न को रिपेयर करने के ऊपर। मेनली आपको जो दो तरह के हॉर्न देखने को मिलेंगे, पहले कुछ इस तरह का जो कि कम्प्लीटली सील रहता है, और दूसरा कुछ इस तरह का जिसकी साइड पे स्क्रू लगे रहते हैं। जिस हॉर्न की साइड पे स्क्रू लगे रहते हैं, इसे आप पूरी तरह से जो ओपन करके इसमें किसी भी तरह की रिपेयर जो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये जो कम्प्लीटली सील्ड हॉर्न रहता है, इसे ओपन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट होता है। लेकिन मैं आपको कुछ एक तरीके बताऊंगा जिससे आप इस सील्ड हॉर्न को जो है बिना ओपन किए आसानी से ठीक कर सके। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हॉर्न में किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है और उन प्रॉब्लम्स को आपको किस तरह से रिपेयर करना है। मेरे पास में ये जो दो हॉर्न है, ये मेरी 17 साल पुरानी पल्सर मोटरसाइकिल के हैं, इसीलिए इसकी ये जो आउटर प्लेट है, ये आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा इनमें जंग लगा हुआ है। तो इन्हें मैं बाद में क्लीन कर लूँगा, और अगर आपको भी देखना है कि किस तरह से इन्हें क्लीन किया जाता है, तो उस वीडियो का लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपके पास में चाहे किसी भी तरह का हॉर्न हो, सबसे पहले आपको इसकी जो क्वाइल है वो चेक कर लेनी है, क्योंकि 99% केसेस में इसकी जो क्वाइल है बिल्कुल ठीक होती है, और अगर आप जस्ट इसकी एडजस्टमेंट कर लें तो आपका हॉर्न जो बिल्कुल एकदम नए जैसा काम करना शुरू कर देता है। इसकी क्वाइल को चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी, और मल्टीमीटर को आपको जो है कंटिन्यूटी पे सेट कर देना है कुछ इस जगह पे, और जो आपका हॉर्न है इसकी जो बैक साइड पे यहाँ पे दो टर्मिनल लगे रहते हैं, इन पे इसकी प्रोब्स को लगाना है। और आपको यहाँ पे बीप की साउंड और रीडिंग आनी चाहिए, ये देखिए कुछ इस तरह से। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर बीप की साउंड नहीं आ रही है, ना कोई रीडिंग आ रही है, तो ये जो इसका स्क्रू है, एडजस्टर स्क्रू है, इसे आप टाइट करके और लूज करके देखें कि आपको यहाँ पर इसकी जो क्वाइल में से किसी तरह की यहाँ पर बीप की साउंड आती है या नहीं। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर किसी भी तरह के बीप की साउंड नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो क्वाइल है वो ख़राब होगी, या ये भी हो सकता है कि इसके अंदर में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहाँ पे कार्बन लग गया हो, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कई बार जो आपका हॉर्न है ये दिखा देता है कि ये बिल्कुल डेड है, इसकी जो क्वाइल है वो ख़राब है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप उसे किस तरह से ठीक करें। फिलहाल मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अभी हम अगर इस केस में अगर आपका जो हॉर्न चल नहीं रहा है, तो इसमें आपको किस तरह से रिपेयर करनी है। और मान लीजिए कि आपके पास में मल्टीमीटर भी नहीं है, तो आप बैटरी के साथ भी इसे चेक कर सकते हैं। आपको बैटरी के टर्मिनल्स जो हैं उसके साथ में कोई वायर लगा लेनी है, या फिर आप मोटरसाइकिल पे भी इसे चेक कर सकते हैं। जब ये मोटरसाइकिल पे लगाओ, और यहाँ पे आप इससे जो पावर देनी है आपको कुछ इस तरह से, और आप सुन रहे होंगे कि इसमें से आवाज़ आ रही है। अगर आपको इस तरह से टक टक की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब आपका जो हॉर्न है वो बिल्कुल सही है, इसकी जो क्वाइल है वो सही है, अंदर में इसके सभी पार्ट्स बाकी भी ठीक हैं। आपको जस्ट इसमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है, तो सबसे पहले इसे आप पूरी तरह से टाइट कर दें इस स्क्रू को, ये जो इसका एडजस्टर स्क्रू है। ये देखिए मैंने इसे पूरी तरह से टाइट कर दिया है। तो अभी हम इसे पावर देंगे और धीरे धीरे इसे ओपन करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि इसमें से जो वो साउंड आने लगी है हॉर्न की या नहीं। ये देखिए तो कुछ इस तरह से आप भी अपने हॉर्न का जो यहाँ पे स्क्रू है, इसे एडजस्ट करके इसकी जो ट्यूनिंग है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने अपने हॉर्न की क्वाइल को जो यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक किया, लेकिन आपको यहाँ पे किसी तरह की बीप की साउंड नहीं आई, ना ही यहाँ पर किसी तरह की रीडिंग आई, या फिर आपने यहाँ पर बैटरी की जो पावर है वो दी और यहाँ पे आपको जो वो कटकट की साउंड भी नहीं आई, तो इस केस में आप अपने हॉर्न को जो किस तरह से रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस हॉर्न को जो वो ओपन कर लेता हूँ, ताकि मुझे आपको ये समझाने में आसानी रहे। घबराइए मत, मैं यहाँ पर ये जो सील्ड हॉर्न है इसे किस तरह से रिपेयर करना है वही आपको बताऊंगा। ऊपर में यहाँ पर एक रिंग प्लेट दी जाती है, जो कि डायफ्राम को यहाँ पर होल्ड करके रखती है, और ये इसमें कुछ एक पैकिंग दी जाती है ताकि इसमें पानी वगैरह जो अंदर ना जाए। और ये जो प्लेट है इसे हॉर्न का डायफ्राम कहा जाता है, और ये जो प्लेट है टॉप में ये टोन प्लेट है, और हॉर्न के सेंटर में आपको यहाँ पर ये देखिए कुछ कॉपर की वायर दिख रही होगी, तो यहीं पर इसकी जो क्वाइल है वो बनी रहती है, और ये रहे इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, ये देखिए। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है इन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स की वजह से ही होती है। इन कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर में जो वो कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो हॉर्न है इसका सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है, और जब भी आप इसे बाहर से चेक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी जो क्वाइल है वो ख़राब है, या फिर जो आपका हॉर्न है वो कम्प्लीटली डेड हो चुका है। अगर तो आपके पास में भी कुछ इस तरह का हॉर्न है जिसमें स्क्रूज वगैरह लगे हैं, तो इसे तो आप आसानी से ओपन करके यहाँ पर इसके जो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं इन्हें सैंड पेपर के साथ जो क्लीन कर सकते हैं।
लेकिन सील्ड हॉर्न के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को क्लीन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि आपको उन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को जो है किस तरह से क्लीन करना है। सबसे पहले आपको इसके जो बैक साइड पे ये एडजस्टर स्क्रू लगा रहता है इसे जो कम्प्लीटली रिमूव कर लेना है। और इसके बिल्कुल सेंटर में आपको जो एक होल दिखेगा वो होल सीधा अंदर तक जाता है, तो जो भी चीज़ आप इसके कॉन्टैक्ट को क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहीं से डालनी होगी। तो इन इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए आप जो WD-40 का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पेट्रोल, केरोसिन या डीजल का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को क्लीन करने के लिए एक स्पेशल लिक्विड आता है, आप उसका भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। और आपको जो ये होल है ये काफ़ी ज़्यादा बारीक रहता है, इसलिए आप जो भी लिक्विड इसमें डालना चाहते हैं तो आप उसे डालने के लिए यहाँ पर सिरिंज का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक वार्निंग दे देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे पेट्रोल और केरोसिन का यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो क्लीनिंग करने के बाद में आप अच्छी तरह से ड्रेन कर लें और इस जगह को जो अच्छी तरह से ड्राई कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे और यहाँ पर वोल्टेज जो है अप्लाई कर देंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर में ब्लास्ट हो जाए। इसीलिए आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो वो WD-40 या फिर डीजल का ही यहाँ पर से इसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उन्हें क्लीन करने के लिए यूज़ करें। आपको जो इसमें जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो सफिशियंट मात्रा में डाल देनी है, उसके बाद इसे जो इस तरह से शेक करना है। लेकिन क्या इस तरह से ये इसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। इसका रीज़न भी आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे जो अंदर में कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हमेशा ही जो है आपस में जुड़े रहते हैं। अगर आप कोई भी लिक्विड यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो ये पार्ट है ये अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं आपको दो तरीके बताता हूँ जिससे कि ये जो हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं इनके बीच में इस तरह से गैप आ जाए और आप जो इन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को अच्छी तरह से क्लीन कर सकें। हॉर्न के अंदर में ये जो हमारा बैक साइड पे एडजस्टर स्क्रू लगा रहता है ये इस टॉप प्लेट को जो वो ऊपर की तरफ को उठाता है जब हम इसे टाइट करते हैं। और जो हमारे ये कम्प्लीटली सील्ड हॉर्न है इनके बीच में क्या होता है कि जब आप इसे कम्प्लीटली टाइट कर देते हैं तो ये जो प्लेट है पूरी तरह से ऊपर उठ जाती है और इन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के अंदर में यहाँ पर गैप आ जाता है। तो अभी मैं आपको ये जो प्रूफ भी कर देता हूँ। ये देखिए मैंने अभी इसे जो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया है और पहले मैं आपको ये प्रूफ दिखा देता हूँ कि हमारे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं हमेशा ही आपस में जुड़े रहते हैं। मेरा तो ये हॉर्न बिल्कुल सही है, तो आपको दिखाने रेफरेंस के तौर पे मैं दिखाने के लिए यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो स्क्रू कम्प्लीटली ओपन कर रखा है और यहाँ पर ये देखिए बीप की साउंड आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं हमेशा जुड़े रहते हैं। तो अभी मैं इसका जो स्क्रू है वो लगा के टाइट कर दूंगा, पूरी तरह से जो इसका स्क्रू टाइट कर देना है आपको। और कुछ एक हॉर्न में आप यहाँ पे एक छोटा सा नट लगा रहता है स्क्रू के साथ में, तो आपको उस स्क्रू को पूरा रिमूव करके उस नट को जो निकाल देना है उसके बाद इसे पूरी तरह से टाइट करना है। ये देखिए अभी मैंने इसे पूरी तरह से टाइट कर दिया, तो अब इसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उनमें बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी, वो अलग हो चुके होंगे। तो ये देखिए मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए अभी इसमें कोई भी बीप की साउंड नहीं आ रही है, कोई कुछ नहीं है। ये तो हो गया एक तरीका। तो अभी मैं से वापस से जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उन्हें जोड़ देता हूँ ताकि जो नेक्स्ट तरीका है वो बताने मुझे आसानी हो जाए। तो ये देखिए अभी मैंने इसे फिर से जो इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उन्हें आपस में जोड़ दिया है, आपको मैं चेक भी करवा देता हूँ। ये देखिए अभी फिर से बीप की साउंड आ रही है। तो दूसरा तरीका जो है यहाँ पर मुझे समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ये जो हमारा डायफ्राम रहता है इसके ऊपर में ये एक रिंग जैसी बनी रहती है, ये जो रिंग है ये इस कॉन्टैक्ट पॉइंट की ये जो प्लेट है इसके साथ में अटैच होती है। तो जैसे ही हमारा हम जब हॉर्न में यहाँ पर 12 volt DC सप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाती है इसकी जो कॉइल है और ये इस डायफ्राम को नीचे की तरफ को इस तरह से खींचती है। जैसे ये नीचे की तरफ जाता है तो ये जो प्लेट है यहाँ पर निशान भी बना हुआ है, ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर कुछ निशान भी बना हुआ है। तो यही जो पार्ट है यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट पॉइंट की ये जो प्लेट है पत्ती जैसी है इसके साथ में टकराता है और इसे नीचे की तरफ कर देता है। तो ये जो डायफ्राम जैसे ही नीचे की तरफ को जाते हैं ये इसको इस तरह से करता है तो दोबारा से ये थोड़ी देर के बाद में इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है कॉइल की ये खत्म हो जाती है, ये डायफ्राम फिर से ऊपर को आ जाता है। तो इसकी ये वर्किंग है, अगर आपको इसकी कंप्लीट वर्किंग के ऊपर में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो दूसरा तरीका है वो भी बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि ये जो हॉर्न है इसे लेना है और इसके जो ये यहाँ पर टोन प्लेट है अपर प्लेट है इसे इस तरह से हल्का सा नीचे की तरफ को दबाना है, ज़्यादा जोर भी आपको नहीं लगाना है लेकिन आपको इस तरह से नीचे की तरफ दबाना है। तो इसके जो ये
यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, इसकी ये वाली पत्ती नीचे की तरफ को चली जाएगी और इसके बीच में गैप आ जाएगा। तो अभी आपको मैं इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी ये आपस में कॉन्टैक्ट में है, तो मुझे थोड़ा दिखाने में दिक्कत होगी, पर चलो कोई नहीं। ये देखिए अभी मैं इसे जो प्रेस करूँगा प्लेट को, इस पर हो नहीं पा रहा है, मैं यहाँ पर पकड़ने में थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही है, तो इसकी मैं यहाँ पर पकड़ के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए जैसे मैं इसे यहाँ पर यार, ये देखिए जैसे मैं इसकी जो अपर प्लेट है इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो इसकी जो कंटिन्यूटी है वो बंद हो जा रही है। तो आपको जब भी अपने इस हॉर्न को जो वो सील्ड हॉर्न को जो भी चीज़ आप इसमें डाल रहे हैं, आपको जब उसको सफिशियंट अमाउंट में डाल ली, तो आपको इन दोनों तरीक़ों में से किसी एक तरीक़ों को अप्लाई करते हुए उसके बाद में इसे जो इस तरह से शेक करना है। जब आप इस तरह से शेक करेंगे तो इसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं इनके बीच में गैप होगा और वो जो इसके अंदर में कार्बन जो भी डिपॉजिट होगा वो अच्छे तरह से क्लीन हो जाएगा और आपका जो हॉर्न है वो दोबारा से इसका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर बाहर में जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वैसे ही आपको इसे चेक करना है, और अगर इसमें टोनिंग की ज़रूरत होगी तो आप इसे टोन करके अच्छी तरह से रिपेयर कर लें। और मान लीजिए कि इस तरह करने के बाद भी आपके जो यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं और आपको कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलती है, तो इस केस में तो हो सकता है कि आपके हॉर्न की जो क्वाइल है वही बर्न हो चुकी होगी। तो उस केस में तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक नया हॉर्न ही ले लें, क्योंकि इसे कट करके दोबारा अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं तो हो सकता है कि अंदर में आप रिपेयर कर ही ना पाएं। तो बेस्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एक नया हॉर्न ले लें। इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम होती है जिसके पीछे दो कारण होते हैं, वैसे तो ये बहुत कम देखी जाती है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके सामने अगर कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप उसे भी रिपेयर कर सकें। तो ये देखिए ये मेरे पास में हॉर्न है, इसकी जो कॉइल वगैरह है वो सब कुछ सही है। तो अभी मैंने प्रॉब्लम दिखाने के लिए इसे जो है वो उस तरह से इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। तो ये देखिए अभी मैं इसमें जो बैटरी की सप्लाई दे रहा हूँ, ये देखिए आप देख रहे हैं कि इसमें स्पार्किंग हो रही है लेकिन ये हॉर्न किसी भी तरह की टकटक की आवाज़ नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ कि इसकी कॉइल ठीक है या नहीं, इसके लिए हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। और ये देखिए आप सुन रहे होंगे यहाँ पे बीप की साउंड आ रही है, इसका मतलब हमारी कॉइल भी सही है, लेकिन जब हम यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो हॉर्न में से टक टक तक की भी आवाज़ नहीं आ रही है, ना ही हॉर्न प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इसके पीछे का पहला कारण ये होता है कि ये जो आउटर टोन प्लेट है इसका ये जो नट है ये लूज़ हो जाता है। वैसे तो आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टाइट है, लेकिन ये कई बार लूज़ हो जाता है। तो आपको इसे पहले अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना होता है लेकिन ये टाइट होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से इसकी जो यहाँ पर बैटरी की सप्लाई है वो देंगे, देखते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर जो वो टक टक की आवाज़ आना शुरू हो गई, पहले यहाँ पर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अब तो हम इसे जो वो यहाँ पर अगर इसकी टोनिंग सेट कर लेंगे, इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से चलना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया एक कारण। अब इसके पीछे का दूसरा कारण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारी यहाँ पर डायफ्राम है इसके ऊपर में ये एक रिंग लगी रहती है जो कि फाइबर की बनी होती है। कई बार क्या होता है ये एक ही पॉइंट पे यहाँ पर टकरा रही है इस यहाँ पर पत्ती के साथ में, तो होता क्या है कि ये बार बार टकराने से या फिर आपकी मोटरसाइकिल कई बार नीचे गिर जाए और हॉर्न के ऊपर में कुछ लग जाए और ये प्रेस हो जाए तो भी ये यहाँ पर से टूट जाती है। अगर ये यहाँ से टूट गई तब भी आपको सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी जैसे मैंने अभी आपको दिखाई। तो इसका जो रिपेयर है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर तो आपका ये ओपन हो जाता है तब तो आप इसे जो यहाँ पर इस तरह से रोटेट करके किसी भी डायरेक्शन में लगा दें, क्योंकि अगर ये यहाँ से टूटोगी तो यहाँ से तो ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं इसे। लेकिन ये जो हमारे ये सील्ड वाले जो हॉर्न है इसमें आपको इसे किस तरह से रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास में ऐसा होता है तो आप ये करके ट्राई करके चेक कर सकते हैं कि आपका हॉर्न सही होता है या नहीं। वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कम देखी जाती है, तो उस केस में आपको पहले तो ये इसकी टोन प्लेट है ये ओपन कर लेनी है, और ये हमारा इसमें डायफ्राम ही लगा रहता है। तो ये जो इसका सेंटर वाला यहाँ पर बोल्ट टाइप दिख रहा है आपको, इसे आपको इस तरह से घुमाना है।
आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये आप फिंगर की मदद से भी अपनी इसे रोटेट कर सकते हैं अंदर में। ये अंदर में जो है, जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि आप यहाँ पर इसे जो यहाँ से टूट जाए तो इसे रोटेट करके इस तरह से लगा सकते हैं, वैसे ही आप इसमें भी कर रहे हैं इस वक्त। आपका ये जो अंदर में डायफ्राम है ये आराम से रोटेट हो जाता है, और तो ये रोटेट हो जाएगा तो ये इसकी जहाँ से भी ये टूटा होगा वो वाली पोजीशन छोड़ के ये दूसरी वाली पोजीशन पे इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से लग जाएगा, और आपका जो हॉर्न है वो पहले की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो कुछ इस तरह से आप भी सील्ड हॉर्न को जो रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।